कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स जिसे कि हम लोग हिंदी में अनाज बोलते हैं, और ये हमारे भारतवर्ष या कह लीजिए पूरे दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। हमारे जो मेन स्टेपल फूड्स होते हैं वो लगभग 9 प्रकार के हैं। अगर ये ना हो तो हम लोग जी ही नहीं सकते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन टोटल 9, इससे भी ज़्यादा है, पर वो टोटल 9 सीरियल्स या अनाज के बारे में जिनका कि हम लोग मुख्य तौर पे खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो और जो भी इंडियन शेफ़ हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो सीरियल्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताए हैं, और आपको जानकर ये भी पता चलेगा कि जो कि हम लोगों को काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि दलिया क्या है, तो वो भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला अनाज है वो है हमारा बार्ले। बार्ले ये इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम इसको ज्वार बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको हम लोग पर्ल बार्ले भी बोलते हैं। जो ज्वार होता है, ज्वार जो हमारी एक फसल है हिंदुस्तान में, उसके जो बाहर के स्किन को निकाल दिया जाता है तो वो एक मोतियों की तरह, पर्ल की तरह दिखाई देने लगता है। अब इस बार्ले का उपयोग हम लोग सूप्स में करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही उबाल के भी खा सकते हैं, पर इसका इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। पर अब हमारी दूसरी कुजीन्स में इसका प्रयोग काफ़ी करा जाता है, जैसे कि हमारी थाई होगी, वहाँ पे इसका जो सूप है, एक स्वीट आप वो मीठा सूप बनाते हैं केले डाल के, कोकोनट के डाल के, काफ़ी चलता है। दूसरा है हमारा बकवीट। बकवीट इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम लोग इसको कुट्टू बोलते हैं। कुट्टू आप लोगों को पता होगा, आप लोग इंडियंस हैं, इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर मेनली हम लोग करते हैं व्रत में। जब हम लोग भगवान का फास्ट रखते हैं उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता है। इसको एक सात्विक भोजन के तौर पे खाया जाता है। ये आपके जो गेहूं होता है वैसा कुछ नहीं है, ये स्पेशल क्रॉप होती है जिसको कि हम लोग बकवीट बोलते हैं। और जो जापान के एक नूडल्स हैं जिसको कि हम लोग सोबा नूडल्स बोलते हैं, वो इससे बनता है। तो देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान का कुट्टू है उसे जापान में भी खाया जा रहा है। तीसरा है हमारा मेज़। ये इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम लोग इसको मक्की के दाने या जो भुट्टा होता है जब वो सूख जाते हैं उसके बीज, उसको हम लोग बोलते हैं। अब जो ये मक्की है ये बहुत ज़्यादा इंडिया में उगता ही है, साथ साथ ही उगता है हमारे बहुत ज़्यादा मैक्सिको में। अब इसका कई तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कॉर्न मील, जो कॉर्न होता है सूखने के बाद उसके पाउडर फॉर्म में बिल्कुल हल्का सा दरदरा, जिस प्रकार से हमारी बजरी होती है इस तरीके से कर दिया जाता है, इसको हम लोग कॉर्न मील बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग पोलेंता बनाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हमें और आपकी जो आपके फिश हो गया या चिकन हो गया उसके बाहर का क्रम में लगा के उसको फ्राई करने के लिए करते हैं, क्योंकि क्रिस्पी होता है। और चाइना में इसका प्रयोग या इंडिया में इसका प्रयोग हम लोग कॉर्नस्टार्च के तौर पर भी करते हैं, पर कॉर्नस्टार्च के लिए हम लोग जो उसकी आउटर जो येलो वाली जो स्किन होती है उसको निकाल देते हैं, जो सिर्फ उसका जो अंदर से वाइट पार्ट बचता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कहीं पे ये भी सुना होगा ग्लूटेन फ्री फूड। जिस भी अनाज के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर ग्लूटेन नहीं होता है, तो जिन्हें भी बीमारियां होती हैं या जो भी एलर्जिक होते हैं ग्लूटेन से, वो इसका प्रयोग करते हैं मेज़ का या मक्की का। इसके बाद है वीट। गेहूं बहुत ही फेमस है, ये भी आपको हिंदुस्तान में तो अलग अलग वैरायटियों में कहीं तौर पर मिलता है। अब ये जो वीट है हमारा, अगर हम इसको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हम लोग इसमें तोड़ देते हैं तो हम उसको दलिया भी बोलते हैं। अगर आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाओगे तो आप इसको दलिया भी बोलते हैं। कहीं पे इसको बुरगुल भी बोलते हैं। जो आपके गेहूं होता है उसको कूट देते हैं वो, तो उसको ये एज अ मील भी खाते हैं, उसका इसकी ये लोग सैलड्स भी बनाते हैं। उसके बाद है हमारा ओट्स। ओट्स बहुत ही फेमस है इंडिया में तो, और इसका हिंदी में नाम है विलायती जय। जी हाँ, विलायती जय इसको हम लोग बोलते हैं। और जो ये आपका जो ये ओट्स है, ये हमारे होटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको एज अ पूरे होल तो नहीं लेते हैं हम लोग होटल्स में, ये हमारे वहाँ आपके डब्बों में आता है ओट्स, जिसको आप लोग बोलते हैं। इसको ये आपका रोल्ड होता है, कभी कहीं कहीं पे हनी के साथ आता है। आप लोग इसको दूध में भिगा के रखते हैं कुछ 2-3 घंटे, इसके बाद इसमें दही, फ्रूट्स वगैरह, आपके जो भी फ्लेवरिंग आपको करनी है डाल के खाते हैं। तो ये भी बड़ा ही फेमस है हमारे होटल्स में। उसके बाद है हमारा सागो। सागो इंग्लिश नेम है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं साबूदाना।
साबूदाना बनता है हमारे पाम जो ट्री होता है उसके अंदर से जो स्टार्च निकलता है उसके छोटे छोटे वाइट स्टार्च की छोटी छोटी गोलियां बना लिए जाती हैं और उनको सुखाया जाता है तो ये कहलाता है साबूदाना। साबूदाना का प्रयोग हम लोग व्रत में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, साबूदाना के पापड़ होते हैं, साबूदाना की खीर बनती है और ये भी बड़ा ही फेमस है और बड़ा ही कॉमन है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ब्रान। ब्रान आपका हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुना हो, पर जो होटल्स में काम करते हैं या जो फिटनेस फ्रीक हैं उन्होंने अलब्रान नाम का सीरियल ज़रूर खाया होगा। अब जो ये ब्रान है, ब्रान होता क्या है, मैंने जितने भी अभी तक सीरियल्स के नाम लिए हैं या मैं आगे लूँगा उनका जो बाहर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उस छिलके को निकाल दिया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में करके कुछ भी शेप्स दे दी जाती हैं उसकी और इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको हिंदी में हम लोग कन्नी बोलते हैं, जी हाँ कन्नी। तो जो बाहर के जो लेयर्स हो गए आपका पूरा निकाल दिया आपने इन सीरियल्स का, किसी भी अनाज का, उसको आपने फिर कुछ भी फॉर्म में दे दिया, उसको हम बोलते हैं कन्नी। सबसे लास्ट है हमारा चावल। चावल तो पूरी दुनिया में फेमस है, अब हर कंट्री में उसके अलग प्रकार से चावल हैं। हम लोग शॉर्ट ग्रेन मिलता है, कहीं पे लॉन्ग ग्रेन मिलता है, बासमती मिलता है, वाइल्ड राइस मिलता है, हर प्रकार के आपको चावल मिल जाएंगे जिनकी खुशबू अलग होती है, उनका रंग रूप अलग होता है। तो ये टोटल 8 आप लगा लीजिए अनाज है जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं। और जो ये सीरियल मैंने आपको बोला, जितने भी मैंने आपको सीरियल बताया, इनको अब ब्रेकफास्ट में, अब मॉडर्न तरीके से, क्योंकि लोग तो खाते नहीं हैं तो मॉडर्न तरीके से इनको एक सीरियल्स के रूप में आपको दिया जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम, जिन्हें कि आप लोग खाते हैं। और बात रही दलिये की, तो दलिया सिर्फ गेहूँ का नहीं होता है, दलिया किसी भी अनाज का हो सकता है, कुछ भी आपके जो ब्रोकन आप वीट्स कर लीजिए, चावल कर लीजिए, आप बाजरा कर लीजिए, कुछ भी हो गया उनको आप कूट के अगर आप लोग उसको पकाते हैं तो वो दलिया ही कहलाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगर आप बाबा रामदेव का दलिया लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको जितने भी सीरियल है सब कुछ मिलेगा, उसमें आपको मकई भी मिलेगा, आपको उसमें ज्वार भी मिलेगा, आप में आपको उसमें बाजरा भी मिलेगा, आपको सारे अनाज उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि दलिये का मतलब सिर्फ आपका गेहूं के दाने होते हैं या टूटा हुआ गेहूँ होता है। तो ये पूरी बात आज हो गई हमारी सीरियल्स के बारे में। बाकी फिर से मैं बोलूँगा, मेरी जो बुक है, दो बुक हैं, एक बुक है आपकी बेसिक कुक बुक, दूसरी है मेरी आपकी जो इंटरव्यूज़ के लिए है कॉमिथ्री के लिए, आप उनको ले सकते हैं जिनका कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरना चाहता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ लेते आना चाहता हूँ। इसको आगे शेयर कर देना ताकि लोगों के पास नॉलेज पहुँच पाए और टॉपिक भी सजेस्ट कर देना नए वीडियोज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।